डिसलाइक आने से सर दर्द करता है, डिसलाइक आने से एक और वीडियो बनाने का मूड नहीं करता है, लेकिन क्या डिसलाइक आने से वीडियो रैंक नहीं करता है या करता है? क्योंकि डिसलाइक एक एंगेजमेंट की तरह है। तो ये हम आज चेक करेंगे कि एंगेजमेंट बढ़ने से यानी कि डिसलाइक ज्यादा आने से या फिर डिसलाइक कम आने से इन दोनों में कौन सी वीडियो रैंक कर जाती है, ये हम आज फाइंड करेंगे। एक और नया एक्सपेरिमेंट करेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस एक्सपेरिमेंट को इस छोटे से इंट्रो के बाद। जैसा कि आप देख सकते हो, हमने दो वीडियोस को अपलोड की है, वीडियो वन वीडियो टू। दोनों ही वीडियोस पर 5-5 व्यूज है, सेम वॉच टाइम है, सेम ऑडियंस रिटेंशन है। दोनों ही वीडियो का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग सेम है। दोनों ही वीडियो में हमने एक्सपेरिमेंट बाय आस्क सागर जैन टाइटल में डाला है, डिस्क्रिप्शन में डाला है और टैग में डाला है। इस वीडियो पर हमने कमेंट किया है, लेकिन पिछले एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था कि कमेंट करने से कोई वीडियो रैंक नहीं करती, तो इस कमेंट को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट जो वीडियो है उस पर आप देख सकते हो 2 डिसलाइक है। तो इस एक्सपेरिमेंट में हम ये चेक करने वाले हैं कि डिसलाइक आने से क्या वीडियो की रैंकिंग घट जाती है या नहीं घट जाती है। यानी इस पर 2 डिसलाइक है, तो जब मैं एक्सपेरिमेंट में आस्क सागर जैन सर्च करूं तो वीडियो 1 नीचे आनी चाहिए और वीडियो 2 ऊपर आनी चाहिए, क्योंकि इस पर एक भी डिसलाइक नहीं है। तो चलिए अब हम सर्च करते हैं एक्सपेरिमेंट में आस्क सागर जैन और देखते हैं कौन सी वीडियो रैंक कर जाती है। लेकिन सर्च करने के पहले मैं आपको एक बार दिखा देता हूं इसके डिस्क्रिप्शन और टैग। तो इसके एडिट पर क्लिक कर रहा हूं, तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी एक्सपेरिमेंट बाय सागर जैन है, एक्सपेरिमेंट बाय सागर जैन है टैग और डिस्क्रिप्शन में। वीडियो 1 के एडिट पे क्लिक कर रहा हूं, यहां पर भी आप देख सकते हो सेम है डिस्क्रिप्शन और टैग। अब मैं बैक पे क्लिक कर लेता हूं। अब चलिए सर्च करते हैं एक्सपेरिमेंट बाय आस्क सागर जैन और एक कंक्लूजन आ जाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि डिसलाइक आने से वीडियो रैंक करती है या नहीं करती है, डिसलाइक आने से वीडियो पीछे चली जाती है या नहीं चली जाती है। तो अब मैंने सर्च पे क्लिक कर लिया है, तो आप देख सकते हो वीडियो 1 ऊपर आई है जबकि उसके ऊपर 2 डिसलाइक थे, फिर भी वो वीडियो ऊपर आई है। जिस पर 0 डिसलाइक थी वो वीडियो नीचे है, यानी कि डिसलाइक होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी वजह से आपने कई सारे ऐसे वीडियोस भी देखे होंगे जब आप सर्च करते हो कोई चीज, तो कोई वीडियोस पर इतने सारे डिसलाइक होते हैं फिर भी वो वीडियो रैंक कर रही होती है। इससे बहुत ही इजीली क्लियर हो जाता है कि डिसलाइक आने से वीडियो की रैंकिंग नहीं घटती है, कोई फर्क नहीं पड़ता कितने भी डिसलाइक आए आपकी वीडियो पर। वीडियो पर अच्छा खासा वॉच टाइम होगा और ऑडियंस रिटेंशन अच्छा होगा तो वो वीडियो डेफिनेटली रैंक करने वाली है। अब आप सोच रहे हो कि वीडियो 1 ही क्यों ऊपर आई और वीडियो 2 क्यों नीचे आई। तो वीडियो 1 हमने लास्ट में अपलोड की थी, यानी लेटेस्ट अपलोड की थी, और वीडियो 2 हमने पहले अपलोड की थी। तो अगर सब कुछ सेम होता है, यानी कि टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग, ऑडियंस रिटेंशन, वॉच टाइम सब कुछ सेम होता है, तो वो वीडियो रैंक करती है जो बाद में अपलोड हुई होती है। तो वीडियो 1 हमने बाद में अपलोड की थी, इस वजह से वीडियो 1 ऊपर आ रही है। तो इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन ये है कि डिसलाइक भले ही आपके चैनल पर कितने आए, आपकी वीडियोस पर कितने भी आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आपकी ऑडियंस रिटेंशन अच्छी है, आपकी वॉच टाइम अच्छी है, तो आपकी वीडियो रैंक कर जाएगी। अगर आपको ये एक्सपेरिमेंट पसंद आ रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए, क्योंकि हम रोज नए नए एक्सपेरिमेंट्स लेकर आते हैं जिससे आप रोज कुछ नया सीख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना। आपको पता है वीडियो लाइक करने से हमारी वीडियो की रैंकिंग बढ़ जाती है, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपको हमसे कोई एक्सपेरिमेंट करवाना है तो प्लीज कमेंट करिए, हमें पूछिए, हम उसको लेकर भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि क्या हमारी वीडियो रैंक करेगी या नहीं। लेकिन हार मत मानिएगा, एक दिन जरूर हमारी वीडियो रैंक करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।